पप्पू भैया जी, पप्पू भैया जी, आपसे निवेदन है कि आप सामने आ जाएं। ये गीत हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र पारी, देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री भैया दीन तिवारी जी का लिखा हुआ गीत है। बिल्कुल, जिनका एक गीत बड़ा फेमस हुआ, एक बात मोरी सजनी गठियालो चुनरिया में, उसी कलम से लिखा हुआ गीत है। बड़े भैया, सौभाग्य की बात ये है कि जो हमारे पप्पू भैया हैं, पप्पू तिवारी जी, उनके पिताजी का ये लिखा गीत है, वो सौभाग्य की बात ये है कि आपका नाम भी बिल्कुल वही है। ये गीत पढ़ रही हूँ बड़े भैया, हमारे शंभू भैया जी, आपने कहा पत्थर की लकीर, तो आइए सुने सुने। से तू पत्थर का रावण की कैद में है, जब रावण की कैद में है, लंका में जाने में एक अड़चन है, वो अड़चन कोई साधारण नहीं है। सागर बीच में है लंका, उस पार कैसे जाया जाए? तो देखिए प्रभु श्री राम ने किया क्या, क्या बेटे? सेतु पत्थर का बने सिंधु पार जाने, युक्ति क्या हो सकेगी, युक्ति क्या हो सकेगी?
लगे उठाने को घर के पत्थर पत्थर लगे उठाने को घर के पत्थर पत्थर लगे उठाने को आइए एक टुकड़ा और सुनिए सुने उठाया जा रहा है लेकिन एक मन में संदेह हो रहा है कि पत्थर पानी में डाल दिया जाए तो उसकी एक विशेषता होती है, ये कैसे थमेगा? तो एक उपाय किया, बताया कि आपकी सेना में तो ऐसे वीर हैं कि जो छू लेंगे जिस वस्तु को वो पानी पर तैरेगी, उनका नाम है नल नील। तो कहना छूले नल नील तो पानी पैसा देगा पत्थर जिता
शंभू भैया क्षमा कीजिए पप्पू भैया जी की फरमाइश पर एक गीत आइए मेरी ओर से छोटा सा टुकड़ा पप्पू भैया जी सुनिएगा सुनिए कि चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई और ये 21 पद मुद्राएं
हमारे भैया नरेश कुमार तिवारी जी शिक्षक हैं आप, आपके माध्यम से 21 पद्म मुद्राएं हमारे सम्मानी भैया श्री पप्पू तिवारी जी की ओर से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिए। जब माता जानकी को सा सम्मान भेज दिया तो उधर कहना पड़ा, जब माता जानकी को देखा तो सारे बानर भालुओं में एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। क्या बेटे? आगमन से हर से कपिराई, भैया श्री सुशील वस्त्र भंडार आपके माध्यम से 21 पत्र मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद।